तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है कार्डियो के रिलेटेड। जो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे जिम में लगता है, जो इक्विपमेंट लगते हैं उसके लिए जैसे ट्रेडमिल, स्पिन बाइक्स, ये सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो है ट्रेडमिल्स, फुल्ली कमर्शियल ट्रेडमिल्स और स्पिन बाइक्स। तो दोनों के बारे में एक एक करके जानते हैं पहले। तो इन ट्रेडमिल्स का क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला जो ट्रेडमिल है वो कर्व ट्रेडमिल है। कर्व ट्रेडमिल जैसे कि नाम से ही जा होता है कि ये कर्व है, इसका शेप कर्व में होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती चलाने के लिए, और सेल्फ जनरेटर होता है ये। जैसे कि जैसे ही आप इस पर रनिंग स्टार्ट करोगे तो इसका मीटर जो है ऑन हो जाता है, और एक छोटा सा इसमें सेल्फ जनरेटर लगा रहता है। और मीटर में आपको सारी चीज़ें जैसे स्पीड, टाइम वगैरह सब कुछ शो होता है। तो बेसिकली ये इसका यूज जो है वो स्प्रिंट लगाने के लिए होता है। जो एथलीट होते हैं, जो इंटेंस एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होता है, वो इसको यूज़ करते हैं। नॉर्मल लोग भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस पर वॉक भी कर सकते हो, पर हाई स्पीड ट्रेनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ये फुल्ली कमर्शियल है। जो भी आप इसका ये बेल्ट्स वगैरह देख रहे हो वो इतनी मतलब हाई क्वालिटी यूज की गई है कि ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। इसको ही बहुत ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल रफ़ एंड टफ़ जिसको हम बोल सकते हैं मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें। ये दो साइज़ में आते हैं, एक थोड़ा स्मॉल आता है, ये बिगर साइज़ है। तो फुल्ली कमर्शियल में हालांकि दोनों ही आते हैं, बिल्ड क्वालिटी एक ही होती है, पर साइज़ बड़ा होने के कारण प्राइस में डिफरेंसेस रहते हैं। तो एक ओवरव्यू देना चाहूँगा मैं कि ये दिखने में कैसा है, आप एक बार देख लीजिए। ये यहाँ पर इसका मीटर लगा हुआ है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, चलते वक्त इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ानी, इसको हार्ड करना या स्लो करना, या ब्रेकिंग सिस्टम आप बोल सकते हैं, वो तीनों में ही यूज़ होता है। तो ये कुछ इस तरीके का ये इसमें प्रावधान दिया हुआ है। ये हैंडल आपका आयरन मेड होते हैं। इसमें एक और ख़ास बात है कि जितना ही आप पैर अपने आगे की तरफ मूव करते हो, आगे की तरफ पड़ता है आपका पैर, तो इसकी स्पीड डबल हो जाती है। मतलब अगर आप कोशिश करो कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं दौड़ूँ, और थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ाओगे तो 16 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो इसकी ये खास बात है। दोनों तरफ ये इसकी जो विड्थ देख रहे हो पैडल की, यहाँ पे आप पैर रख के रेस्ट करने के लिए होता है। बेसिकली आप अगर एकदम से नहीं रोक सकते तो हैंडल के सपोर्ट के जरिए आप दोनों साइड खड़े हो सकते हो। तो इतनी विड्थ है इसकी कि ईजिली किसी भी हाइट का बंदा इस पर ईजिली स्टैंड आउट कर जाए। तो ये थी कर्व ट्रेडमिल। सेकेंड जो ट्रेडमिल है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल है। एक ओवरव्यू देखिए ये देखने में कैसा है। ये ट्रेडमिल की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं मैं, तो 4 HP का इसमें कंटिन्यूस मोटर लगा हुआ है, 4 HP AC। ये भी फुल्ली कमर्शियल ट्रेडमिल है, नॉन फोल्डेबल, इसको आप फोल्ड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल रिजिड सॉलिड वन पीस में है नीचे का बेस, और ये फिर आपके एडजस्ट किए जाते हैं। ये अलग से पार्ट आते हैं, बॉक्स में आता है ये, वुडन बॉक्स में, और इसको एडजस्ट किया जाता है। जो इसकी एक वर्चुअल पावर होती है, जब अपने पीक पे चलता है तो 8 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। तो 4 HP 8 HP इसको ऐसे स्पेसिफिकेशन में लिखा जाता है, कंटिन्यूस है 4 HP है। स्पीड इसकी 20 की है, हाई स्पीड इसकी 20 किलोमीटर पर आवर की है, और इसमें इंक्लाइन 15 लेवल का है। मतलब ये इंक्लाइन भी हो सकता है। मैं इसको चालू करके भी आपको दिखाऊंगा कि इसका मीटर कैसे फंक्शन करता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आप स्पेसिफिकेशन में इसमें पाओगे आप। लाइक यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, ये आपका पल्स काउंट करता है रनिंग के दौरान। जब आप इस पर हाथ रखते हो तो आपका पल्स काउंट करता है। ये इमरजेंसी ब्रेक का सिस्टम होता है। अगर आपको लगता है कि मैं एकदम से स्टॉप नहीं कर सकता, दौड़ते हुए ऐसा कभी महसूस हो, तो ये इसको दबाने पर इमरजेंसी स्टॉप लगती है। विद इन 5 to 7 सेकेंड ये स्लो होकर बंद हो जाता है। ऐसे ही इसमें ये डायरेक्ट बटन दिए हुए हैं, मतलब आप एक एक करके अगर थोड़ी किलोमीटर स्पीड बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और ये स्पीड्स हैं, यहाँ से इंक्लाइन बढ़ा सकते हो आप मैनुअली, और यहाँ से एकदम जंप करना है 3 से 6, 6 से 9, तो इस तरीके से स्पीड बढ़ा सकते हो। तो ये पूरा इसमें सिस्टम दिया हुआ है, रॉक सॉलिड बिल्कुल मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें। देखिए पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल है, और इवन ये मीटर का साइड देखोगे आप, मीटर का जो कवर है वो भी मेटल से किया गया। कई बार लोग दौड़ते वक्त ये पकड़ लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सेफ्टी रहती है। हालांकि ये हैंडल दिया हुआ है पकड़ने के लिए, यूज़र को हमेशा जिम में ये होना चाहिए कि वो मीटर को ना पकड़े दौड़ते वक्त।
तो इसमें स्पीड, इंक्लाइन, पल्स, आपका हार्ट रेट और टाइम, ये सारा शो होता है। कैलरी भी शो होती है, कैलरी अभी आपने कितना बर्न किया। इसको कंटिन्यूसली चला सकते हैं, मतलब ये फुल्ली कमर्शियल है, तो इसको आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। एसी मोटर है, हैवी ड्यूटी। नेक्स्ट जो ट्रेडमिल है वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल है, थोड़ा इससे हैवी है। देखिए मोटर और ड्राइव दोनों सेम है उसमें भी, बट बॉडी स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा हैवी है वो। मतलब इसकी जो लेंथ विड्थ रनिंग एरिया की है 23/64, मतलब 23, ये 23 इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ आप दौड़ सको वो विड्थ है, और 64 ये इसकी 64 है, 64 इसकी लेंथ रनिंग एरिया की, तो ये इसकी लेंथ है इसकी बेल्ट की, रनिंग सरफेस की। नेक्स्ट जो ट्रेडमिल देख रहे हैं आप, एक बार ओवर भी देखो, इससे थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बॉडी थोड़ी सी बड़ी है। अंदर का जो मटेरियल है लाइक ड्राइव, इंक्लाइन मोटर एंड इसका मोटर, स्पीड मोटर, वो सारे ही सेम है, बस स्ट्रक्चर हैवी कारण थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। थोड़ी हाइट भी इसमें दी गई है, थोड़ा सा इसमें प्रोग्रामिंग अलग किया गया है। तो आप ये देखो, ये हैंडल, इसमें हैंडल आयरन का है, इसमें भी अंदर आयरन का ही है, बट इस पर थोड़ा सा रबर की कोटिंग दी गई है लुक इन्हांस करने के लिए। थोड़ा सा मीटर का स्ट्रक्चर आपको चेंज लग रहा होगा, कुछ इस तरीके का इसका लुक है। ये बोतल होल्डर्स दिए हुए हैं दोनों साइड में, यहाँ स्पीकर लगे हुए हैं, आप इसमें अगर अपना स्मार्टफोन चलाना चाहते हो तो चल सकता है। तो इस तरीके का ये पूरा सिस्टम है। ये पल्स इसमें भी है, इसमें भी इमरजेंसी ब्रेक का सिस्टम है, इमरजेंसी स्टॉप का सिस्टम है, तो सारा सिस्टम सेम है इसका। बट आप थोड़ा सा अगर हेवी लेना चाहते हो और लुक जिम में थोड़ा और इन्हांस हो जाए तो ये चूज़ कर सकते हो। बाकी दोनों की गारंटी वारंटी, प्राइसिंग में थोड़ा सा अंतर है, गारंटी वारंटी सेम है, वजन भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा वो हेवी है। नेक्स्ट स्पिन बाइक्स, देखिए दो स्पिन बाइक्स रखे हुए हैं मेरे पास, ये फुल्ली कमर्शियल स्पिन बाइक है। देखिए इस तरीके की स्पिन बाइक कॉमन है, बट इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, प्राइस में भी अंतर होगा, आपको लुक एक सा दिखेगा लेकिन आपको लगेगा कि ये प्राइस में अंतर क्यों है, कोई कॉस्टली कोई बिल्कुल सस्ता क्यों मिल रहा है। इसमें आपको थोड़ा गौर से देखना है, एक तो इसकी हेवीनेस, जो इसकी व्हील होती है स्पिन व्हील, जैसे वो ओपन है तो आप देख सकते हो, इसमें अंदर क्योंकि ये बॉक्स है पूरा पैक है कवर्ड है, तो इसमें अंदर स्पिन व्हील इसमें 25 kg की है, इसमें 18 kg की भी अवेलेबल मार्केट में, इसमें 20 kg की भी, 22 kg की भी अवेलेबल है, इसमें 25 kg की स्पिन व्हील लगी हुई है। जो इसके ये हैंडल में आप देख रहे हो, जो इनर आउटर का पाइप्स हैं ये आप देख रहे हो, सीट्स के ये हेवी दिए हुए हैं, कहीं में थोड़ा सा थिन रहता है तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, मतलब थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है, सस्ता हो जाता है, ये हेवी दिया हुआ है। इस पर हैंडल की जो रबर की कोटिंग दी गई है हैंडल्स पे, वो भी बहुत हेवी दी गई है। ब्रेकिंग सिस्टम है ये, आप इससे रेसिस्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, हार्डनेस बढ़ानी है चलते वक्त तो आप बढ़ा सकते हो, और इसको दबाएंगे तो ब्रेक लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ऑपरेट करते हैं। ये इसके पैडल हैं, और ये बेल्ट पे चलता है, मतलब इसमें कोई चेन नहीं है। पहले आप देखते थे आज से 5-4 साल पहले जो भी स्पिन बाइक्स आते थे वो चेन बेसिस आते थे, मतलब शाफ्ट पे चेन चलती थी, लेकिन अब ये बेल्ट पे है तो आवाज़ नहीं आती कोई, बिल्कुल साइलेंट चलता है। तो इस तरीके से एडजस्टिंग का पूरा सिस्टम है, अगर यूज़र की लेंथ हाइट अलग है तो वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, जिसमें भी वो एक्सरसाइज करते हुए कंफर्टेबल फील करे। लाइक ये हाइट एडजस्ट हो जाएगी ऊपर नीचे, और ये सीट की हाइट चारों तरफ से एडजस्ट होगी, लाइक ऊपर नीचे भी और आगे पीछे भी इसको किया जा सकता है। सेकेंड एक्सरसाइज बाइक है, वो थोड़ी लाइट वेट में है, मतलब इस एक्सरसाइज बाइक का यूज़र वेट अराउंड 150 kg है, मतलब 150 kg का यूज़र भी इसको ऑपरेट करना चाहे तो इजीली कर सकता है, इसमें कोई ख़राबी नहीं होगी। इसकी 120 kg है यूज़र वेट, इसमें थोड़ा वही सिस्टम एडजस्टिंग का सिस्टम आप कंपेयर करेंगे, थोड़ा लाइट है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये सस्ता भी है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इससे थोड़ी सी हल्की है, हालांकि ये भी जिम में यूज़ होते हैं, खूब चलते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आती नहीं। प्रॉब्लम देखिए स्पिन बाइक में 2-3 तरह की आ सकती हैं, एक आपका बेल्ट, एक आपकी नॉब्स देख रहे हैं, ब्रेकिंग सिस्टम, रेसिस्टिविटी, और एक पैडल, ये 2-3 ही चीज़ें आ सकती हैं, दिक्कत कर सकती है, और सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं।
हमारे पास भी मिलती है और मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उसमें कोई ऐसी सोचने की बात नहीं है कि ये इम्पोर्टेड आइटम ही है, तो अगर कुछ इसमें कमी आती है, कुछ हमें चाहिए तो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब अवेलेबल होते हैं, कॉमन चीज़ें हैं ये। अब मैं ट्रेडमिल के बारे में ज़रा बता दूँ। ट्रेडमिल आपके जिम में ऑपरेट करने के लिए आपको सर्वो लगाना बहुत ज़रूरी है। सर्वो यानी कि स्टेबलाइजर, थोड़ा हेवी हो गया सर्वो। इसको वोल्टेज आउटपुट 220 वोल्ट होना चाहिए। अब हमें ऐसा लगता है, कई क्लाइंट करते हैं कि हमारे यहाँ लाइट तो सही आती है तो हमें क्या ज़रूरत है उसकी। देखिए, हम महसूस नहीं कर सकते कि लाइट कितनी सही आ रही है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन इसकी ड्राइव को ख़राब कर सकता है, और क्योंकि ये बहुत कॉस्टली, जिम का सबसे कॉस्टली पार्ट है, तो इसको केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सर्वो कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, 5 KVA का सर्वो है। अगर आपके 4 HP ट्रेडमिल है, 5 KVA का सर्वो बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। इवन आपसे 2 ट्रेडमिल भी चला सकते हैं। आजकल की जो ट्रेडमिल है तो वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल हाई हो गई है और बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स, ऐसे चिप्स बन गए हैं, सिलिकॉन चिप्स, जो कि बहुत ही सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। तो इसे 2 ट्रेडमिल भी चल सकती है। ये सर्वो ज़रूर यूज़ करें आप, 5 KVA का मिनिमम। आप पूरे जिम में भी सर्वो लगा सकते हो, लाइक एक मेन पॉइंट पे सर्वो लगा दिया, आपका पावर जहाँ से आता है, सप्लाई होती है, और पूरे उसमें AC भी, फैन भी, सब उससे ऑपरेट हो रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई भी चीज़ ख़राब होने की संभावना ही नहीं रहेगी। इसकी खासियत ये है कि आपका वोल्टेज अगर 180 हो गया डाउन, फिर भी 220 आउटपुट देगा, और अगर हाई भी हो गया, 250 हो गया, 280 हो गया, फिर भी ये 220 आउटपुट देगा। तो ये सर्वो कुछ इस तरीके का है, आपके लोकल जहाँ से भी हो आप वहाँ अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर वो नॉर्मल स्टेबलाइजर से ज़्यादा होती है। तो ये कार्डियो यहाँ पे इंस्टॉल था, मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए। अगर आपको प्राइसिंग की डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर और वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर जाके आप इंक्वायरी करके और इसकी प्राइसिंग की डिटेल ले सकते हैं। और कंप्लीट जिम सेटअप लगाना है आपको, विद कार्डियो और विदाउट कार्डियो, स्ट्रेंथ सेक्शन भी, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको पूरा सहयोग किया जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा, व्हाट्सअप किया जाएगा, और पूरी इन्फॉर्मेशन, क्या बजट रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, सारी जानकारी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। Everything I touch turn gold. Need no introduction, cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models to Kato, who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the